है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे लानत है हमारे ऊपर 1400 साल से जिन लोगों ने केवल अल्लाह के अलावा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, वो हर स्तर पर करेंगे, वो दाढ़ी रख करके भी करेंगे, वो पैंट शर्ट पहन के करेंगे, वो अरबी बोल करके करेंगे, वो हिंदी बोलेंगे, वो इंग्लिश बोलेंगे। लक्ष्य केवल एक उनका स्पष्ट है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का काम रुकेगा नहीं। और जो लोग कहते हैं, जिन्होंने बोला रघुपति राघव राजा राम पति तो पावन सीताराम और अगली पंक्ति जोड़ी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लानत है हमारे ऊपर। হ্যালো প্রিয় দর্শক ও ভাই বোনেরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে একটি ভিডিও দেখাবো, যে ভিডিওটা সম্পূর্ণ একটা অসাম একটা ভিডিও। যদি আপনারা দেখতে চান অবশ্যই এই ভিডিওটার সঙ্গে থাকুন এবং পুরাটা দেখুন। ভিডিওটার মধ্যে কিছু রহস্য কিছু কথা আছে এই মহিলার। মহিলাটা খুব সুন্দর করে কিছু কথা বলেছেন, আমরা সবাই এটি শুনবো যারা মুসলিম আছি এবং যারা হিন্দু আছি। কথাগুলো কিন্তু সব বাস্তব এবং সত্য কথা। তো আমি এই মহিলার কথাটা শুনে আমি অনেক খুশি হয়েছি এবং আমার ভিতরে একটা অন্যরকম একটা ফিল হচ্ছে। তা আশা করি আপনারা এই ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন। ভিডিওটার ভিতরে কিছু কথা আছে মুসলিমকে নিয়ে। আসলে এই কথাটা উঠেছে বাশওয়ার চ্যাটার্জি, যিনি রোজা রেখেছেন এ আমাদের মুসলিমরা যেভাবে রোজা রাখেন, তিনি হিন্দু হয়ে একটি অভিনেতা তিনি রোজা রেখেছেন, এ নিয়ে ভীষণ কথা আলোচনা হচ্ছে এবং ফেসবুক কাঁপিয়ে তুলতেছে। এই মহিলাটা এমনভাবে সেই কথার উত্তরগুলো দিল, ও আশা করি আপনারা এই ভিডিওটা পুরোটা দেখলে বুঝতে পারবেন বিষয়টা কী হয়েছে আর কী বলেছিলেন। তা আশা করি আপনারা এই ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন এবং আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকুন সবসময়। লাইক করুন। पांच बार बोलते हैं, पांच बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा और मोहम्मद दुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है, इन दो के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। नमाज अलग होती है, ये अजान है। आओ आओ अपनी नींद को छोड़ करके आओ। सब झुकते हैं, खड़े होते हैं, उसके बाद वो वहाँ पर आयतों का पाठ होता है। और आयतें हम क्या समझते हैं, जैसे हम मंदिर में घंटा बजाए आते हैं वैसे उनकी नमाजें चल रही हैं। बिल्कुल गलत सोच है। उनको प्रॉब्लम हमारी गाय से नहीं है, उनको प्रॉब्लम हमारी माताओं बहनों से भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई पढ़ करके तो देखे उनके, वो रोजा किस लिए रखते हैं? कोई पढ़े रोजा किस लिए रखा जाता है? रोजा कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है, खुद अपने शरीर को मजबूत करना। अगर उस रोजे की इफ्तार पार्टी में सारे के सारे हिंदू जाकर के बैठते हैं, जब लखनऊ के मंदिर के मठाधीश भी जाकर के रोजे की इफ्तार पार्टी मंदिर के अंदर कराते हैं और हम सब लोग केवल फेसबुक पे रह जाते हैं। मैं आप सब से विनती करना चाहती हूँ, याद रखो इनके पांच स्तंभ, जिसमें कहा तौहीद, एक ही ईश्वर है, एक अल्लाह है, उसके अलावा हम किसी को मानते ही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे लानत है हमारे ऊपर 1400 साल से जिन लोगों ने केवल अल्लाह के अलावा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, वो हर स्तर पर करेंगे, वो दाढ़ी रख करके भी करेंगे, वो पैंट शर्ट पहन के करेंगे, वो अरबी बोल करके करेंगे, वो हिंदी बोलेंगे, वो इंग्लिश बोलेंगे। लक्ष्य केवल एक उनका स्पष्ट है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का काम रुकेगा नहीं। और जो लोग कहते हैं, जिन्होंने बोला रघुपति राघव राजा राम पति तो पावन सीताराम और अगली पंक्ति जोड़ी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लानत है हमारे ऊपर। हमने कभी पढ़ करके नहीं देखा अल्लाह कहते किसको है, हमने ईश्वर के बराबर अल्लाह को रख दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो सूरा तौबा, पढ़ो सूरा अल बकरा, सारी की सारी कुरान की सारी ये आयतें पढ़ करके देखो, आपको साफ स्पष्ट पता चल जाएगा। हम सोचते हैं कि उनकी हज यात्रा, हम सोचते हैं उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ यात्रा जैसी है,
अरे पढ़ो भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह, यदि आज नहीं जागे तो कोई हमारे बचाने वाला नहीं है। आप सब लोग जो फेसबुक पे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं या अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोबाइल में रिकॉर्ड करने की चीज नहीं है, दिल में रिकॉर्ड कीजिए इसको, अपनी बहनों को, माता। ताहले बंधुरा, अपनादेर काछे ये भिडियोटा केमन लागछे, आशा करी भालो लागछे। ये महिला के अपनारा कतटुकु लाइक दिते पारबेन, कत पार्सेंट दिबेन, तो अवश्यई आमार ये ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন, আর এই ভিডিওটা কেমন লাগছে তাও অবশ্যই জানাবেন। কিন্তু এই মহিলার কথাটুকু আপনাদের কাছে কতটুকু ভালো লাগছে, কত পার্সেন্ট লাগছে, এটা অবশ্যই আমাকে জানানোর দরকার। আমি জানতে চাই যে আপনাদের কাছে এই ভিডিওটা আসলে কি ভালো লাগছে। মহিলার কথাটা কিন্তু অনেক স্পষ্টভাবে, অনেক সুন্দরভাবে বলেছে, আমি কিন্তু তাকে 100-100 লাইক করি। তা আশা করি আপনারাও 100-100 লাইক করবেন। তিনি কিন্তু আমাদের মুসলিমদেরকে নিয়েই কথা বলছে। তো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খোদা হাফেজ।